हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग? एंड सो सम स्टूडेंट्स क्वेरी रिगार्डिंग द इंटरव्यू राउंड इन दिस KUPY 2021 सेशन एग्जामिनेशन। तो भैया क्या सारा सीन है, क्या इंटरव्यू होने वाला है कि नहीं होने वाला है? राइट, सो यार इसके अंदर जस्ट मैं आपका पूरा का पूरा वीडियो जस्ट क्लियर करने वाला हूँ। एंड एक बार ये भी थी कि भैया पिछले साल COVID-19 सिचुएशन के कारण जो है इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्या इस बार इंटरव्यू होने वाला है? सो यार इसके लिए ना सिंपल सा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वारी आई थी जो भी स्पेशल जो दिल्ली के कॉलेजेज हैं, या जो दिल्ली के जो कॉलेजेज हैं वो क्या करते हैं, जो 9th क्लास के बच्चे थे या फिर 11th क्लास के बच्चे थे, राइट, 7th 5th, वहाँ पे अलग अलग सभी क्लासों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे 5th क्लास का 9th क्लास का। सो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू राउंड भी डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि इंटरव्यू भी होगा। जब इन सब जो बातें थी इनको जब जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, तो कोर्ट का एक सिंपल सा रूल आया कि भैया जो है ये सारा का सारा इसके अंदर धांधली हो सकती है, बिकॉज इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सिंपल कोई भी कोलेबरेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ये सारा डिसीजन करती है। जैसे कि जो भी कॉलेजेस थे दिल्ली वगैरह के, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, सो जस्ट इन सबको उसने खारिज कर दिया था। और कोर्ट का सिंपल सा ये कहना था, या फिर अगर अपन पब्लिकली कहें कि यार बच्चा जो है उसको ना कुछ जस्ट लाइक 15 साल का 16 साल की एज होगी अभी, so this is not capable for interview, right? This is not a UPSC examination and many top examination, right? KUPY, this is only for a scholarship test. और जस्ट जो है 11th क्लास के बच्चे का जस्ट लाइक यूपीएससी लाइक इंटरव्यू होना, दिस इज वेरी बैड। और इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट लाइक धांधली होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें जो है अपनी प्रेफरेंस के बच्चों को, या फिर जो भी जो है टीममेट्स है उनके कोलेब्रेशन के बच्चों को मार्क्स ज़्यादा देने की, या फिर किसी को कम देने की, या फिर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कोई नहीं है, कोई स्टूडेंट कभी बोल नहीं पाता है कोई नहीं बोल पाता है, सो इन सब कार्यों को मद्देनजर रखते हुए एटलीस्ट जो है अपन एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है KUPY का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, और इन फ्यूचर आने वाले भविष्य में कभी भी शायद KUPY का इंटरव्यू ना हो। और हाँ, बेसिकली इस बार तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जैसे आप एक बात और बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर वेबसाइट पे विजिट करते हैं देन जो है एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिस ओनली फॉर दिखा रहा होगा आपको, आप जस्ट चेक कर सकते हैं। और यार एक सिंपल सा फंडा यही है कि जस्ट जो कोर्ट वाला जो डिसीजन आया था स्पेशली कॉलेजों के लिए, एंड दिस इज सेम रूल अप्लाइड फॉर द KUPY एग्जामिनेशन, राइट, सो जस्ट आप देख सकते हो। एंड यार सिंपल नॉर्मल लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक जस्ट 16-17 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा एक टेस्ट देता है और उसको जस्ट ऐसे ऐसे इंटरव्यूज लेते हैं, यार उसकी जस्ट जो है जर्नी तो वहीं पे समाप्त हो जाती है अगर कोई सेलेक्ट नहीं होता है, देन इट्स वेरी बैड। सो इन सब कार्यों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, और इन फ्यूचर एक अच्छा डिसीजन है। एंड हो सकता है ये पिछले वाला कोविड के कारण हुआ हो, लेकिन जस्ट एंट्रेंस का एंट्रेंस इज ओके गुड, ठीक है, और दिस इज सफिशेंट, और इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। और जो है इस बार आपको 99.99% आपका जो है 100% मान लो 99.99% माने कि आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एप्टीट्यूड बेसिस, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप जस्ट KUPY की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, माय फैकल्टीज ऑलमोस्ट फ्रॉम जस्ट IITs, NITs एंड IISc बेंगलोर प्रिपेयरिंग द KUPY बेस्ट एग्जामिनेशन, एंड जस्ट KUPY में फोड़ दो। एंड अगर अपन कट ऑफ की बात करें इस बार, तो यार अगर आपके 55+ मार्क्स है देन ठीक है, थैंक यू।